विलेज फूड में आज हम बनाने वाले हैं समोसा पिनव्हील, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। ये हमने एक कटोरी मैदा छान के लिया है, हरा धनिया, 4 से 5 आलू बॉईल किए हुए, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा मैदा लिया है स्लरी बनाने के लिए, रिफाइंड तेल मोयन के लिए, अजवाइन 1 चम्मच, काले मिर्च पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, हींग आधा चम्मच, जीरा 1 चम्मच। अब सबसे पहले हम डोव तैयार कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक और मोयन के लिए थोड़ा सा तेल। आप तेल की जगह पे घी भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के समोसे जिस तरह से बनाते हैं उस तरह का डो तैयार कर लेंगे। हमें इसका अच्छा सा डो बनाना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा टाइट डो हो इसका। ये देखिए बिल्कुल हमें इस तरह का डो चाहिए। इसे अब हम रख देंगे साइड में। अब हम बनाएंगे स्लरी। मैदा लेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे, और इसका बिल्कुल पतला सा घोल बनाना है हमें। स्लरी चाहिए बिल्कुल पतली सी। अब इसे हम रख देंगे साइड में। हरी मिर्च हमने काट ली है, धनिया पत्ते भी काट ली है। अब आलूओं को हम छील के इन्हें हम मैश करेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर मैश कर लीजिए। आलू हमने छील लिए हैं, अब इन्हें हम मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से मैश कर सकते हैं या फिर मैसर से कद्दूकस भी कर सकते हैं इन्हें। आलू हमने मैश कर दिए हैं, अब इसमें हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, हरा धनिया, बाकी के मसाले डालेंगे, आमचूर पाउडर, हींग, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें मसाले अपने अनुसार डाल सकते हैं, जैसे आपको टेस्ट पसंद हो। ये देखिए मिक्स हमारा रेडी है। ये देखिए डो हमारा सेट हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से, एक बार अच्छे से मसल देते हैं। अब इसकी हम लोइयां काट लेंगे। इस तरह से मसलते हुए इसकी हम लोई बना लेंगे। इस तरह से लोइयां हमने बना ली हैं। अब इन्हें हम बेलेंगे। इसमें हम सूखा मैदा लगा लेंगे और इसे हम बेलेंगे। इतना पतला बेलना है इसे, ना ज़्यादा ये मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। इसी तरह से हम सभी बेल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए बेल के हमने तैयार कर ली है। अब इस पर हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार की थी वो रखेंगे इस तरह से। इस पर पूरी तरह से फैला देंगे हम। इस पर पूरी तरह से इसे इस तरह से फैला देंगे। अब इस तरह से उठाएंगे और इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे दबाते हुए। देखिए इस तरह से, ये ज़्यादा मोटा है, इसे इस तरह से हम थोड़ा सा पतला कर देंगे। इसके किनारे हम काट देंगे। और इसे हम ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, बिल्कुल 1 इंच के बराबर काटेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे हम थोड़ा सा इस तरह से गोल कर लेंगे और इसे हथेली की सहायता से इस तरह से दबा देंगे। इसी तरह से हथेली की सहायता से दबा दबा के हम सभी पिनव्हील्स तैयार कर लेंगे इस तरह से।
ये देखिए पिनव्हील समोसा हमने बना के तैयार कर लिए हैं इस तरह से। इधर हमने गैस ऑन करके कढ़ाई पे तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे। तेल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। अब इस तरह से एक हम पिनव्हील समोसा उठाएंगे, ये जो हमने स्लरी तैयार की थी उसमें इस तरह से डिप करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू स्लो। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। ये देखिए नीचे से जब पक जाएंगे तो ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे इस तरह से, और इन्हें हम चम्मच की सहायता से पलट देंगे और इन्हें गोल्डन कलर आने तक हम पकाएंगे अच्छे से। ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए ये पक गई है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए समोसा पिनव्हील्स बनके तैयार हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।